हेलो माय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गार्डनिंग एट होम में। देखिए दोस्तों, तो मेरे सामने एक होम्योपैथी की दवाई रखी हुई है जिसे बोलते हैं नाजा 200। व्हाट्सअप, फेसबुक, सोशल मीडिया ग्रुप्स, आपको हर जगह इसके बारे में पोस्ट मिलेगा कि सांप काट ले तो ये दवाई जान बचा सकती है। हर दो दो घंटे में इसकी 10-10 बूंद मुँह में डालते रहिए और मरीज बच जाएगा। बट दोस्तों, क्या ये सच है? बात करेंगे इस बारे में। चलिए मैं पहले आपको बताता हूँ कि होम्योपैथी कैसे काम करती है। होम्योपैथी का मानना ये है कि जिस तरह की चीज़ों को खाने से सिम्टम्स जैसे आते हैं, अगर उन्हें बहुत डाइल्यूट फॉर्म में बॉडी में दिया जाए तो बॉडी उनके प्रति इम्यूनिटी बना लेती है और उस बीमारी को ख़त्म कर देती है। जैसे अगर आप प्याज काटते हैं या खाते हैं तो उससे नाक से पानी, आँखों से पानी आता है, तो ये सिम्टम्स प्याज के होते हैं। अगर हम प्याज से होम्योपैथिक दवाई बनाते हैं, जैसे ओपीएम है, शायद ओपीएम है उसका नाम, जो प्याज से बनती है, तो जब कोई नज़ले का पेशेंट इस तरह का जाता है जिसकी आंखों से पानी, जलन, नाक से पानी बह रहा होता है, तो उसे ओपीएम दी जाती है ताकि वो बहुत हल्की मात्रा में जब हमारी बॉडी में प्याज के अंश जाते हैं तो हमारी बॉडी उसके प्रति एंटीबॉडी बनाए। तो इसी तरीके से नाजा बनाई गई है। नाजा के अंदर बेसिकली जहर है कोबरा का, इंडियन कोबरा का। अगर हम मान लीजिए, मान भी लें कि नाजा को देने से एंटीबॉडी बनेंगी, तो वो सिर्फ कोबरा की बनेंगी, जबकि जनरली चार सांप हैं जो जिनके बाइट के केस आपको मिलते हैं, जिन्हें बिग फोर बोलते हैं, कोबरा, करेत, रसल वाइपर और साइस्केल्ड वाइपर। तो अगर नाजा से एंटीबॉडी बनती भी हैं तो वो बनेंगी सिर्फ कोबरा की। लेकिन अब दूसरे मुद्दे पर आते हैं, एंटीबॉडी बनती कैसे हैं? एंटीबॉडी जब बनती हैं जब हमारे ब्लड में कोई चीज़ जाए, जैसे कि जो टीके लगते हैं उनमें निष्क्रिय बैक्टीरिया को यूज़ किया जाता है, निष्क्रिय वायरसों को यूज़ किया जाता है जिनके टीके बनते हैं, तो वो निष्क्रिय होते हैं, इनएक्टिव, और जब वो बॉडी में जाते हैं तो बॉडी उन्हें सेंस करके उनके प्रति एंटीबॉडी बनाती है, और जिससे कि एक्टिव के खिलाफ भी हमारे बॉडी में एक रेजिस्टेंस बन जाता है। ये है कोबरा का जहर। अगर कोबरा का जहर बहुत डाइल्यूट मात्रा में ब्लड में जाए तो एक बार को एंटीबॉडी बन भी सकती हैं, लेकिन ये तो आपके डाइजेशन सिस्टम में जा रहा है। जहर बेसिकली एक प्रोटीन होता है, तो अगर आपने देखा होगा बहुत से सपेरे डायरेक्ट जहर को पी लेते हैं, उन्हें कुछ नहीं होता। टेक्निकली जहर डाइजेशन सिस्टम में जाए तो वो कुछ नहीं कहता जब तक कि वो ब्लड में ना मिले, लेकिन आप ट्राई मत कीजिएगा क्योंकि ये जानलेवा हो सकता है। ये सिर्फ मैं एक साइंटिफिक फैक्ट बता रहा हूँ कि ऐसा होता है। तो अगर हम खाते हैं तो उससे एंटीबॉडी बनने की संभावनाएं वैसे ही नहीं है, और उसके बाद सिर्फ कोबरा की है। और एंटीबॉडी बनने का प्रोसेस जो है वो लगभग 6 महीने लेता है। एंटीबॉडी स्नेक्स की जो तैयार की जाती है, वो कैसे तैयार की जाती है मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। चारों सांप जो कि बिग फोर बोले जाते हैं, मैंने भी आपको बताया, कोबरा, करेत, रसल वाइपर और साइस्केल्ड वाइपर, इन चारों सांपों के जहर को मिक्स करके बहुत डाइल्यूट सोल्यूशन बना के घोड़ों में इंजेक्ट कर दिया जाता है, और उन घोड़ों को बहुत अच्छे से रखा जाता है, बहुत उनकी अलग केयर होती है, और 6 महीने बाद उन घोड़ों का ब्लड निकालकर उससे सीरम अलग कर लिया जाता है। जो सीरम होता है वो एंटीबॉडी होता है। तो यानी कि घोड़े जैसे जानवर को एंटीबॉडी बनाने में 6 महीने लगते हैं, तो फिर इंसान की तो आप बात ही छोड़ दीजिए। सांप ने काटा है और उसके 2-3 घंटे में इंसान एंटीबॉडी बना लेगा, तो फिर सांप के जहर की नहीं एंटीबॉडी बना लेगा वो, नाजा की एंटीबॉडी से क्या मतलब है? तो ये तो आप फैक्ट समझ ही सकते हैं कि यहाँ पर ये बिल्कुल बकवास हो जाता है फैक्ट के। नाजा आपको किसी भी तरीके से प्रोटेक्ट कर सकता है, ये आपको सभी कंपनियों में मिल जाएगा, आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। वैसे ये मैंने तो ओपन बड़ी में से छोटे में ले रखा है, ये सिर्फ दिखाने के लिए लोगों को, जो लोग मेरे से पूछते हैं कि भैया क्या होता है, मैं कहता हूँ देखिए मेरे पास भी है, बट मैं आपको सलाह दूंगा कि अगर सांप काटे तो सबसे पहला प्राथमिक उपचार ये है कि आप हाथ पे, पैर पे, जहाँ पे काटा है उसे चलते पानी के नीचे कर दें, और जल्दी से जल्दी किसी नज़दीक के हॉस्पिटल, आपको सरकारी हॉस्पिटलों में एंटीवेनम मिल जाएंगे, प्राइवेट हॉस्पिटलों में एंटीवेनम नहीं मिलेंगे।
तो आप जल्दी से जल्दी किसी सरकारी हॉस्पिटल में पहुंचे और कोशिश करें किसी ऐसे हॉस्पिटल में जाएं जहां पे वेंटिलेटर भी हो, क्योंकि जब एंटीबॉडीज का एंटी वेनम काम नहीं करता तो उस समय वेंटिलेटर एक ऐसी चीज़ है जो मरीज़ को बचा सकता है। मान लीजिए कि यहीं पर एंटी वेनम नहीं है और डॉक्टर मरीज़ को वेंटिलेटर पर डाल देते हैं, तो हमारी बॉडी खुद में भी सक्षम है ब्लड से पॉइजन को फिल्टर करके अलग करने में। हफ्ते 1.5 हफ्ते में हमारी बॉडी भी पॉइजन को डाइल्यूट कर सकती है, लेकिन ये लकी है। वो बेसिकली सांप के काटने के आपको 4 घंटे के अंदर अंदर हॉस्पिटल में जाकर एंटीवेनम ले लेना चाहिए। सांपों का जहर 2 तरह का होता है, एक होता है न्यूरोटॉक्सिक और दूसरा होता है हेमाटॉक्सिक। हम बात करेंगे वाइपर्स की, रसल वाइपर और साइस्केल्ड वाइपर। बेसिकली यही सांप सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं और इनका जहर होता है हेमाटॉक्सिक। हेमाटॉक्सिक पॉइजन ब्लड के अंदर जाकर आरबीसी को फ्यूज़ करता है, इनके ब्लड में कचरा बनाने लगता है जिससे हमारी किडनी फिल्टर करना शुरू करती हैं, धीरे धीरे किडनी चौक हो जाती हैं और किडनी फेल हो जाती हैं। किडनी फेल होने के बाद फर्दर सारे ऑर्गन फेल हो जाते हैं, लेकिन हेमाटॉक्सिक पॉइजन में काफ़ी टाइम मिल जाता है, मरीज़ हफ्ते भर तक जिंदा रह सकता है बिना किसी दवाई बिना किसी ट्रीटमेंट के। कई बार मैंने ऐसे केस देखे हैं, लास्ट ईयर की बात, एक बंदा के काट लिया था एक गांव में, तो उनके कुछ लोग मेरे से बात करने लगे, बोले सपेरों से जड़वा दिया बंदा ठीक है। मैंने तुरंत समझ लिया कि वाइट रसल वाइपर का है। मैंने उन्हें डिस्क्रिप्शन बताया कि भूरा सांप होगा, गोल छल्ले होंगे, बोले जी बिल्कुल ऐसा ही था। मैंने कहा भैया हॉस्पिटल ले जाओ और फटाफट एंटीवेनम लगाओ। उन्हें हॉस्पिटल का पता दिया, उन्होंने ट्रीटमेंट कराया और वो बंदा ठीक है। तो हेमाटॉक्सिक पॉइजन में टाइम मिलता है, उसमें बेहोशी नहीं आती, तो लोगों को लगता है कि सांप कम जहरीला था या जहरीला नहीं था, उसमें कन्फ्यूज़न हो जाता है। दूसरे तरीके का जहर होता है न्यूरोटॉक्सिक। न्यूरोटॉक्सिक जहर बहुत ख़तरनाक होता है, क्योंकि इसमें आपका नर्व सिस्टम पैरालाइज हो जाता है, पूरी बॉडी पैरालाइज हो जाती है। और न्यूरोटॉक्सिक पॉइजन में टाइम मिलता है आधे घंटे से लेकर 1.5 घंटा, इसके बाद लंग्स पैरालाइज हो जाते हैं। अगर आप कृत्रिम श्वसन के थ्रू मरीज को सांस देते रहें तो उसे आप बचा सकते हैं काफ़ी लंबे टाइम तक, जब तक कि आप हॉस्पिटल पहुंचे, लेकिन जनरली ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ पर उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा केस होते हैं करेत के काटने के। करेत के जहर में एक और समस्या है, करेत का जहर न्यूरोटॉक्सिक भी है और हेमाटॉक्सिक भी है, उसमें दोनों क्वालिटी हैं, और करेत का जहर बहुत जल्दी असर करता है। मैंने आज तक जितने केस देखे हैं उनमें 1 से 1.5 घंटे में लंग्स पैरालाइज हो गए और बंदे को सांस लेना भारी हो गया। तो करेत के जहर के साथ तो बहुत समस्या है। अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, जुलाई है, ख़त्म हो रही है और अभी हमारे यहाँ सांप निकलने शुरू हुए हैं, और अब तक मुझे 3 केस करेत के बाइट के पता चल चुके हैं जिनमें की डेथ हो चुकी है। तो लोगों में अज्ञान, लोगों को नहीं पता कहाँ जाना है, इन सब के चलते समस्या होती है। तो 2 दिन पहले एक बंदी को सांप ने काटा, उन लोगों ने कहीं गांव में कोई झाड़ता है वहां पर ले गए, वो गोबर में दबा देता है। उसकी इफिशंसी 80% होगी, मैं आपको बता देता हूँ क्यों होगी। क्योंकि 80% सांप बिना जहर के हैं, बिना जहर के सांप को गोबर में दबाया, उसे मेंटली सेटिस्फेक्शन हो गया, हमें झाड़ दिया गया, वो ठीक हो गया। लेकिन जहर वाले बंदे को दबाया तो वो नहीं ठीक होता। 10 आए 2 मर गए, 8 ठीक हो गए, बहुत अच्छी इफिशंसी है, इतनी तो डॉक्टर की भी नहीं होती। तो उनकी दुकानें बढ़िया चल रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये समस्याएं हैं, वो लोग उसे वहां पर ले गए झड़वाने। 14 घंटे बाद उन्होंने मेरे को फ़ोन किया, पूछा सर ऐसे ऐसे सांप ने काटा है। मैंने रात में 1 बजे, करेत रात में काटता है, दिन में करेत नहीं काटता, और ग्रामीण क्षेत्रों में सोते हुए बंदों को काटता है। वो इसलिए होता है कि कड़ियों की छप्पर की छतें होती हैं, वो उनमें चलते हुए बिस्तर पे गिर जाता है और वो बाइट कर लेता है, तो करेत का इस तरीके का होता है। तो 14 घंटे बाद मेरे सलाह देने का भी कुछ नहीं था, मैंने उन्हें कहा कि आप ले जाइए किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में देख लीजिए, क्योंकि 1.5 से 2 घंटे, हद से 1.5 घंटे में सांस बंद हो गया होगा और उसके बाद तो चांस बचते ही नहीं। तो इस तरीके से ये सब होता है। और आपको ना जाकर मैं बता ही चुका हूँ कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपके एक शरीर में 1-1.5 घंटे में एंटीबॉडी बना सके। तो ना जा, अगर आप लंबे समय साल 2 साल खाए ना जा, तो मैं सोचता हूँ कि शायद ये कोबरा से एंटीबॉडी बना सकती है, नॉट श्योर,
बट शायद बना सकती है, क्योंकि एंटीबॉडी जब ही बनती है जब कुछ आपके ब्लड में मिलता है, ना कि जब जब आपके डाइजेशन सिस्टम में जाता है। तो मेरे हिसाब से तो नाजा फजूल है, ऐसी चीज़ों का आप प्रचार मत कीजिए, क्योंकि इससे किसी की जान भी जा सकती है। बी केयरफुल, सांप काटे तो जल्दी से जल्दी निकट के हॉस्पिटल में जाइए, ऐसे हॉस्पिटल में जाइए जहाँ एंटीवेनम भी हो, जहाँ वेंटिलेटर भी हो, तभी जान बचना पॉसिबल है। अगर जहर जीला सांप है, अगर बिना जहर का सांप है तो आप कहीं भी बच जाएंगे, गोबर के नीचे दबके भी बच जाएंगे। और गोबर वालों की एफिशिएंसी 80% होती है, मैंने आपको बता दिया, यानी कि उनकी दुकान में कोई समस्या नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपके काफ़ी डाउट क्लियर हुए होंगे और आप समझ गए होंगे खुदा ना खास्ता आपके आसपास या कहीं पर कोई सांप को काट ले तो उसके लिए करना क्या है। मेरा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया दोस्तों, मैं आपके लिए और वीडियो लेकर आता रहूँगा। धन्यवाद।